ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती है, अर्थात मुक्ति में तो हर कोई जाएंगे, लेकिन सदाकाल के लिए मोक्ष में रहना ये संभव नहीं, क्योंकि आत्मा में संस्कार ही है पार्ट में आने का। स्वयं परमपिता परमात्मा इस नाटक में प्रिंसिपल एक्टर बनकर के आते हैं। तो सदाकाल का मोक्ष जब परमात्मा को भी नहीं है तो आत्माओं को कैसे हो सकता। साथ ही बाबा कहे, बच्चे बाप बहुत भोलानाथ है। क्यों? क्योंकि चावल मुट्ठी लेकर के महल दे देता है। बच्चे बाप के साथ सर्व संबंध निभाते और उस संबंधों की भी प्राप्ति का अनुभव करते। भक्ति में ईश्वर अर्थ कर्म करते और थोड़ा सा अल्पकाल का फल पा लेते हैं, लेकिन यहां समझ से करते, इसीलिए बाबा कहे सदाकाल का फल प्राप्त हो जाता। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ये बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। आज की मुरली से प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे है? ईश्वर को कहते भोलानाथ, तो कैसे भोलानाथ है? उत्तर, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो, इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है, वह बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। भक्ति में कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता, ज्ञान में समझ से करते, इसीलिए सदाकाल का मिलता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रू रिहान कर रहे हैं, वह ऐसे कहेंगे रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसीलिए बुद्धि चली जानी चाहिए कहां, एक बाप के तरफ। यह है परमात्म ज्ञान आत्माओं के प्रति, भगवान वाच शालिग्रामों प्रति। आत्माओं को ही सुनना है, इसीलिए आत्म अभिमानी बनना है। ज्ञान को सुन करके जीवन में धारण करने के लिए देह अभिमान सबसे बड़ा विघ्न है। इसलिए बाबा कहे ये ज्ञान आत्माओं को सुनना है, तो आत्माओं को आत्म अभिमानी बनना है, तभी सहजता से ग्रहण हो सकता है। आगे तुम देह अभिमानी थे, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो। दोनों का फर्क बाबा कहे तुम अच्छी तरह से समझ गए हो। बाप ने ही समझाया है, आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती है, पड़ती आत्मा है शरीर नहीं। परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वह है निराकार।
निराकार बाबा ही आकर के हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। उनका नाम है शिव। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता और सब कहेंगे मेरा शरीर। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा यह मेरा शरीर है। बाकी वह सब है जिस्मानी पढ़ाइयां, अनेक प्रकार की उसमें सब्जेक्ट होती है, बीए आदि कितने नाम है, इसमें एक ही नाम है। कौन सा? राजयोग। पढ़ाई भी एक ही पढ़ाते हैं, एक ही बाप आकर पढ़ाते हैं, तो बाप को ही याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है, मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। कहेंगे फलाने का ये शरीर है, वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है, शरीर के ऊपर नाम नहीं है। जैसे कहेंगे कि फलाने का शरीर का ये नाम है, या कहेंगे फलाने का ये शरीर है, तो नाम लेकर के कहते हैं फलाने का ये शरीर है। तो बाबा कहे वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है, यानी कोई शरीर या आकृति पर नाम नहीं है। मनुष्य का नाम शरीर पर है। एक ही निराकार बाप है जिसका नाम है शिव। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव ही है, यह शरीर तो उनका नहीं है। भगवान एक ही होता है, 10-12 नहीं, 10-12 कोई भगवान नहीं है, वह है ही एक। फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं मुझे बहुत भटकाया है, कभी 10 अवतार, कभी 24 अवतार, कभी कण कण में। तो बाबा कहे मुझे बहुत भटकाया है, परमात्मा को ठिककर भीतर सब में कह दिया है। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं, वैसे मुझे भी भटकाया है। ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है, बाबा का बात करने का ढंग कितना शीतल है। समझाते हैं मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया है, मेरी कितनी ग्लानि की है। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, बाप कहते मेरे सिवाय कोई निष्काम सेवा कर नहीं सकता। एक बाबा ही है जो निष्काम सेवा करता, बाकी कोई भी निष्काम सेवा नहीं कर सकता। जो करता है उनको फल जरूर मिलता है। अभी तुमको फल मिल रहा है, गायन है कि भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कल्प तुम कर्मकांड करते आए हो, अब यह ज्ञान है पढ़ाई। पढ़ाई मिलती ही है एक बार और एक ही बाप से। ये पढ़ाई मिलती है एक बार सारे कल्प में, और वह भी एक बाप से। बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाकर जाते हैं। यह है ज्ञान और वह है भक्ति। आधा कल्प तुम भक्ति करते थे, अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं भक्ति नहीं की तब फलाना मर गया, बीमार हो गया। परंतु ऐसे है नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम पुकारते आए हो कि आप आकर पतितों को पावन बनाए, सबकी सदगति करो, तो अब मैं आया हूं। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कल्प होती है रात, ज्ञान से आधा कल्प के लिए होता है दिन। राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद है, दोनों का टाइम बराबर है। 2500 वर्ष, 2500 वर्ष, 2500 वर्ष राम राज्य, 2500 वर्ष रावण राज्य। तो बाबा कहे दोनों का टाइम बराबर है,
इस समय भोगी होने कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है, आयु भी कम होती है। वृद्धि जास्ती न हो उसके लिए फिर प्रबंध रचते हैं, मनुष्य प्रबंध रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इतनी बड़ी दुनिया को कम करना तो बाप का ही काम है। बाप आते ही है इसलिए इस दुनिया की आबादी को कम करने। पुकारते भी है बाबा, आप आकर अधर्म विनाश करो, अर्थात सृष्टि को कम करो। दुनिया तो जानती नहीं कि बाप कितना कम कर देते हैं, कहां 800 करोड़ और कहां 9 लाख। थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती है, फिर नंबरवार पाठ बजाने आती है। नाटक में जितना पाठ देरी से होता है वह घर से भी देरी से आते हैं। अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं। नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं, फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं पाठ बजाने। तुम्हारा भी ऐसे ही है। पिछाड़ी में जिनका पाठ है वह पिछाड़ी में आते हैं। जो पहले पहले शुरू के पाठधारी है वह सतयुग आदि में आते हैं। पिछाड़ी वाले देखो तो अभी आते रहते हैं, कलयुग अंत तक भी आते रहते हैं। टाल टालियां पिछाड़ी तक आती रहती है। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती है और सवेरे याद में बैठते हो, वह है ड्रिल। आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। योग अक्षर छोड़ दो, इसमें मूंझते हैं, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है। बाप कहते हैं, अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, क्या ये अच्छी बात है? याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप है ही पतित पावन। बाप आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्य का वृक्ष है। सारे सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र है सब पाठधारी है। बाबा कहे, सारे सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र है सब पाठधारी है। इतने ढेर मनुष्य है, हिसाब निकालते हैं, एक वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे, फिर इतनी जगह ही कहां है? तब बाप कहते हैं, मैं आता हूं लिमिटेड नंबर करने। जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती है, हमारा घर खाली हो जाता है, बाकी भी जो बचत है वह भी आ जाती है। झाड़ कभी सूखता नहीं है, ये कल्प वृक्ष कभी सूखता नहीं है, चलता आता है। पिछाड़ी में जब वहां कोई रहता नहीं, फिर सभी जाएंगे। नई दुनिया में कितने थोड़े थे, अब कितने ढेर हैं। शरीर तो सबका बदलता जाता है, वह भी जन्म वही लेंगे जो कल्प कल्प लेते हैं। यह वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता है? सिवाय बाप के कोई समझा न सके, बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप तो ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब लिमिटेड है। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जास्ती तो कुछ बनेगा नहीं। तुम लिखते जाओ शुरू से लेकर तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए। अगर शुरू से लेकर के बाबा की बातों को लिखते जाए तो आज कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए। सब छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाए। इसलिए बड़ाई दी है, सागर को स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ। फिर यह भी कह देते कि चिड़ियाओं ने सागर को हब कर लिया।
तो एक तरफ तो कहेंगे इतनी अनंत ज्ञान की बातें हैं, और दूसरी तरफ कहते इतनी अनंत ज्ञान की बातों को चिड़ियाओं ने हप कर लिया। तुम चिड़ियाएं हो, सारे ज्ञान सागर को हप कर रही हो। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, तुमको अब ज्ञान मिला है, ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो। कल्प कल्प तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हो, उसमें कुछ कम जास्ती नहीं होना है। जितना पढ़ा था उतना ही पढ़ना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी प्रालब्ध बनती है। हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ कर कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं। स्कूल में भी नंबरवार इम्तिहान पास करते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों बनते हैं। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं। कोई जानते नहीं कि राम को बाण क्यों दिया है, मारा मारी की हिस्ट्री बना दी है। इस समय है ही मारा मारी। तुम जानते हो जो जैसा कर्म करते हैं उनको ऐसा फल मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बड़ी और तंदुरुस्त होंगी। कोई धर्मशाला स्कूल बनाते हैं तो उनको आधा कल्प का सुख मिलता है। यहां बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं। कई माताएं आती थी शुरू शुरू में तो बाबा पूछते थे तुमको कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं तीन लौकिक और एक शिव बाबा, चार बच्चे हैं। क्योंकि वह वर्षा देता भी है तो लेता भी है, हिसाब है। उनको लेने का कुछ है नहीं, वह तो दाता है। चावल मुट्ठी देकर तुम महल ले लेते हो, इसलिए भोला नाथ है। इतना भोला है चावल मुट्ठी लेकर महल दे देते हैं। तो बाबा कहे इसलिए भोला नाथ है, पतित पावन ज्ञान सागर है। अब बाप कहते हैं ये भक्ति के जो शास्त्र है उनका सार समझाता हूं। भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। सन्यासी कहते हैं ये सुख कागविष्टा के समान है, इसलिए घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए। सन्यासी आदि कहते हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए जो फिर नरक में आना पड़े, हमको मोक्ष चाहिए। परंतु ये याद रखो कि ये बेहद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती है, बना बनाया है। तब गाते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। तो एक तरीके से यही कहते हैं कि ड्रामा फिक्स है, नया कुछ बनता ही नहीं है। तभी भक्ति मार्ग में भी ये कहा है, लेकिन यहां बाबा ने एक ही शब्द ड्रामा कह करके उसको स्पष्ट कर दिया। तो भक्ति में भी कहा लेकिन समझा नहीं। तब गाते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नाही। परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। जो कुछ पास किया है वह फिर होगा। इसीलिए कहते होनी को कोई टाल नहीं सकते, होनी टाले नहीं टले। 84 का चक्र तुम लगाते हो, यह कभी बंद नहीं होता। बना मनाया है, इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो। तुम्हारे कहने से तुम निकल नहीं सकते हो। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, ये एक ही है। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, ये एक ही है। अनेक मते हैं, अनेक धर्म है, फिर कह देते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तुम्हारी श्रीमत से सदगति मिलती है। बाबा की श्रीमत से ही हमको सदगति मिलती है, सो तुम ही जानते हो। तुम जब आओ तब हम भी जाने
और हम भी पावन बने, पढ़ाई पढ़े और हमारी सदगति हो। जब सदगति हो जाती है तो फिर कोई बुलाते ही नहीं है। बाबा का उल्लेखना है कि सतयुग में मुझे कोई भी बुलाते ही नहीं है। इस समय सबके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरने हैं, खूनी नाहक खेल दिखाते हैं और गोवर्धन पर्वत भी दिखाते हैं, गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं। उंगली से पहाड़ उठाया, तुम इसका अर्थ जानते हो कि बाबा के खिदमतगार बनकर, मददगार बनकर हम ये दुख की दुनिया को परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाते हैं। तुम थोड़े से बच्चे इस दुखों के पहाड़ को हटाते हो, दुख भी सहन करते हो। तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। कहते हैं तुलसी दास चंदन किसे तिलक करे रघुवीर। तिलक राजाए का तुमको मिलता है अपनी अपनी मेहनत से। तुम राजाए के लिए पढ़ रहे हो, राजयोग जिससे राजाए मिलती है वो पढ़ाने वाला एक ही बाप है। अब तुम घर में बैठे हो, ये दरबार नहीं है। दरबार उसको कहा जाता है जहां राजाएं महाराजाएं मिलते हैं। यह पाठशाला है, समझाया जाता है। कोई ब्राह्मणी विकारी को नहीं ले आ सकती है, पतित वायुमंडल को खराब करेंगे, इसलिए अलाउ नहीं करते हैं। जब पवित्र बने तब अलाउ किया जाए। मधुबन में आने के नियम भी तो रखे हैं, जब पवित्र बने तब अलाउ किया जाए। अभी कोई कोई को अलाउ करना पड़ता है। अगर यहां से जाकर पतित बने तो धारणा नहीं होगी, यह हुआ अपने आप को श्रापित करना। विकार है ही रावण की मत, राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी बन पत्थर बन पड़ते हैं। ऐसी गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी है। बाप कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनता। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। तुम्हारी ये पढ़ाई है, स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते हैं। बाबा कहे स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते हैं। इसी तरह हम बच्चों को भी पढ़ाई भी करनी है, कमाई भी साथ करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, वशीकरण मंत्र सबको देना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी उंगली देनी है। दूसरी पॉइंट, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है। बाकी योग योग कह मूंजना नहीं है। बाबा कहे योग योग करके मूंझना नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है। और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में नोंद है, आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ अनुभव की उन्नति हो रही है,
इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। आज का स्लोगन है, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। बाबा कहे किसी के लिए भी विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो, क्योंकि जितना विघ्न रूप बनते जाएंगे उतना स्वयं पर भी वो हिसाब किताब का बोझ चढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा कहे स्वयं के भी विघ्न विनाशक बनो और दूसरों के लिए भी विघ्नों को विनाश करने वाले बनो, तो उनकी दुआएं प्राप्त होने लगेगी, तो उससे पुण्य हमारा जमा होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।